क्यों लग रहे हैं ना मस्त एकदम यमी। तो आज हम लोग बनाना सीखेंगे कलरफुल पास्ता। कोई सॉस वगैरह ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन आज हम बना रहे हैं कलरफुल पास्ता। तो सबसे पहले जो पेने पास्ता है उसे मैंने बॉईल करने रख दिया है, साथ में ही मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो स्वीट कॉर्न है वो भी मिक्स किया है ताकि वो भी बॉईल हो जाए। चलिए जब तक हमारा पास्ता बॉईल होता है झटपट से हम देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें हमें चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ यूज करूंगी बटर, बटर के अंदर हम इसे बनाएंगे, साथ में ही सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो सीजनिंग्स जो आती है वो, मेयोनीज, पिज्जा पास्ता सॉस, फ्रेश क्रीम, टमाटो सॉस, ये साथ में हमने लिए ट्राई कलर की शिमला मिर्च, और प्याज को हमने लंबे कट कर लिए हैं, गार्लिक को चॉप कर लिया है, और ये हमारा पास्ता बॉईल हो चुका है, इसमें स्वीट कॉर्न्स भी हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन के अंदर मैं ले रही हूँ बटर, लगभग आप देख सकते हैं 2 स्पून के अप्रोक्स बटर है, इसको मैं पहले मेल्ट कर लेती हूँ। तो लीजिए हमारा बटर जो है वो मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें जो हमने चॉप्ड गार्लिक रखे थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा गार्लिक को हम फ्राई करेंगे। ये चले गए हैं गार्लिक फ्राई होने के लिए, ध्यान रहे हमें बहुत ज्यादा जलाने नहीं है। थोड़े से गार्लिक फ्राई होते ही अब मैं इसमें ऐड करूंगी जो प्याज हमने लंबे कट करके रखे हैं, तो हमें प्याज को भी फ्राई करना है। सच्ची बताऊं तो यार बटर के साथ में लहसुन और प्याज जब फ्राई होता है ना बहुत ही मतलब अच्छी खुशबू आती है ना, ऐसा मन करता है जल्दी से ये बने और हम इससे खाना स्टार्ट करें। तो ये हमारे प्याज भी फ्राई हो चुके हैं, हमें बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करने, हल्के हल्के ही फ्राई करने हैं ताकि अभी जो मसाले के साथ में सॉस के साथ में ये पकेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगे। तो ये हमारे प्याज तो हो चुके हैं फ्राई, अब नंबर आता है कलरफुल पास्ता में कलर्स डालने का। तो जो हमारी ड्राई कलर शिमला मिर्च है, ग्रीन, रेड और येलो, तीनों कैप्सिकम शिमला मिर्च जो है हम इसमें मिक्स कर रहे हैं, इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देखिए आप खुद देख सकते हैं कितना कलरफुल दिखने लग गया है पैन में ही, चार कलर्स हो ही चुके हैं, प्याज का अलग कलर है, तीनों शिमला मिर्च का अलग कलर है, और सीरियसली बताऊं तो टेस्ट वाइज ही बहुत ही अच्छी है, ये जरूर ट्राई करना इसे। ये जो हमारी शिमला मिर्च ये फ्राई हो रही है, जब तक हम इसमें ऐड करते हैं नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना नमक आपको पसंद है नमक हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। साथ में ही नमक के साथ में मैं मिक्स कर रही हूँ काली मिर्च पाउडर, जो भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है, तो काली मिर्च पाउडर भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो छोटा स्पून है 1 स्पून काली मिर्च इसमें यूज कर रही हूँ। अब हमने इन्हें नमक और काली मिर्च के साथ फ्राई कर लिया है, अब नंबर आता है सॉस का। तो सबसे पहले हम इसमें मिक्स करेंगे टमाटो सॉस, टमाटो जो केचप है, लगभग ये जो मैंने स्पून लिया है, ये जो सर्विंग स्पून है, ये 1 स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। या अगर आप टेबल स्पून देखें तो 2-3 टेबल स्पून जो है टमाटो केचप हमने इसमें ऐड करा है। टमाटो सॉस के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मेयोनीज, मेयोनीज लगभग आधा से 1 चम्मच के बीच में हमें मिक्स करनी है, तो मैं ये मिक्स कर रही हूँ क्योंकि हम इसमें क्रीम भी मिक्स करेंगे, इसलिए मेयोनीज को हमने आधा चम्मच ही मिक्स किया है। अब जो ये पिज्जा पास्ता सॉस है 2 स्पून मैं इसके मिक्स कर रही हूँ। इन सब सॉस और मेयोनीज को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं पास्ता, जो हमने बॉईल करके रखा है वो पास्ता मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पास्ता इसमें ऐड हो चुका है, अब हमें इन सब सॉसेस के साथ मिक्स करना है, तो ये मैंने मिक्स कर दिया है। साथ में ही मैं ये कहूंगी कि थोड़ा सा हम इसमें पानी यूज किया है हमने, ताकि जो मसाले हैं वो इसके अंदर तक चले जाए, पास्ता के अंदर तक, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है।
अब हम इसमें डाल रहे हैं हम चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो सीजनिंग जो है सबसे लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं ताकि वो नीचे चिपके नहीं। कई बार होता है हम अगर पहले ही डाल देते तो ये नीचे जाके चिपक जाती है, पैन में चिपक जाती है, इसलिए हमने ये डाला है चिली फ्लेक्स। अब हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो। लास्ट में नंबर आता है फ्रेश क्रीम का, ऑप्शनल है लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं एक जो ये बड़ा स्पून है वो, या फिर आप समझ सकते हैं 3 से 4 चम्मच जो है क्रीम हम इसमें ऐड कर रहे हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा कलरफुल पास्ता बन के रेडी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मैं तो जा रही हूँ इसे खाने, लेकिन आपसे जरूर कहूंगी कि इसे बना के जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी है। हमने भी घर पे खुद ही कुछ ना कुछ मिक्स करके इसे ट्राई किया था, अच्छा लगा था, सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर दूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और ऐसे ही आप भी कुछ ना कुछ मिक्स करके अगर कोई रेसिपी बनाते हैं खुद से तो मेरे साथ जरूर शेयर करें। साथ में ही मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने पास्ता में और क्या रेसिपी खुद ने इनोवेट की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।